तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पेटीएम के रेफर एंड अर्न सेक्शन में, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर मेरे को 100 रुपीज़ के कैशबैक यहाँ पर रिसीव हुए हैं पेटीएम की तरफ से। दोस्तों आप भी यहाँ पर जो पेटीएम से 100 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पर अर्न कर सकते हो। इसके लिए बस आपको यहाँ पर पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर अकाउंट बनाना है, और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल भी KYC करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका यहाँ पर पेटीएम अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है फिर भी दोस्तों आपको जो यहाँ पर 100 रुपीज़ का कैशबैक रिसीव होगा, बस आपको यहाँ पर जो है एक ट्रिक को अप्लाई करनी है। तो सब कुछ जो यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो चलिए वीडियो का भी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको जो यहाँ पर पेटीएम का रेफर का लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से दोस्तों आपको जो यहाँ पर पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे कि देख सकते हो इस तरह का एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को यहाँ पर दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ पर जो है पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर पेटीएम ऐप ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है यहाँ पर मोबाइल पे, तो दोस्तों सबसे पहले तो उसको अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको जो है यहाँ पर पेटीएम को इंस्टॉल करना है मेरे रेफर लिंक के थ्रू, ठीक है। तभी दोस्तों आपको जो यहाँ पर 100 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पर रिसीव होगा। तो दोस्तों जिन बंदों का यहाँ पर पेटीएम में अकाउंट ऑलरेडी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो उन बंदों को यहाँ पर जब पेटीएम ऐप को अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब मेरे रेफर के थ्रू यहाँ पर पेटीएम को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा पेटीएम ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको यहाँ पर पेटीएम ऐप को ओपन नहीं करना है, आपको जो यहाँ पर पेटीएम ऐप को वैसे ही छोड़ देना है और वापस यहाँ पर मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और फिर से जो यहाँ पर लिंक को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक को ओपन करते जैसे कि देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जो है पेटीएम ऐप ओपन होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों ये जो है ट्रिक काम करेगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जो भी है उससे जो यहाँ पर जो है लॉग इन कर लेना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड सिक्योरली आपको जो यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर कर लेने के बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी पेटीएम में अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा फिर भी दोस्तों आपको जो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट करने को बोलेगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का वेरीफाई मोबाइल नंबर हो रहा है और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, आपको जो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपका आ चुका है लिंक माय बैंक अकाउंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक करना होगा आपका बैंक अकाउंट, आपका जिस भी बैंक में यहाँ पर अकाउंट है उस बैंक से दोस्तों आपको जो यहाँ पर अपना पेटीएम को लिंक करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा SBI में एक अकाउंट है, तो दोस्तों ये उसने ले चुका है, तो मेरा एक दूसरा अकाउंट है उसको जो यहाँ पर मैं लिंक करूंगा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फेडरल बैंक, आपका जो भी बैंक है आपको जो यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के बाद जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हमारा अकाउंट, और इसको जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर फेडरल बैंक को, और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आपको डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं अभी आपको बता दूंगा, बहुत जरूरी एक चीज है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्किप कर देना है या इनेबल भी आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 1 से 2 रुपए का यहाँ पर जो है ट्रांसफर करना होगा। आप जो है ये पैसा अपने दोस्त को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, या आप अपने घर पे किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 रुपीज का जो यहाँ पर एक ट्रांसफर अभी करूंगा जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं पीछे आ जाता हूँ, पीछे आके आपको जो यहाँ पर UPI ID या आप सेंड मनी ऊपर देख सकते हो उस पर भी आप जो यहाँ पर सेंड कर सकते हो अपने पैसे को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एंटर UPI ID कर लिया, और यहाँ पर दोस्तों फटाफट से मैं जो है अपना ही दोस्तों मेरा एक दोस्त का यहाँ पर UPI ID फटाफट से डाल देता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पर 2 रुपीज का एक ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपको ट्रांसफर करना होगा तभी दोस्तों आपको जो यहाँ पर पैसे मिलेंगे। 1 रुपया का भी आप यहाँ पर ट्रांसफर चाहो तो कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं 2 रुपीज का एक ट्रांसफर करूंगा, यहाँ पर मैं Pay2 यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से जो है अपना UPI PIN यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर जो यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है, और दोस्तों हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो है कैशबैक रिसीव भी हो चुका है, उसका भी मैं प्रूफ आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 11:54 पे यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया, और यहाँ पर 11:54 पे ही यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों हम लोग को इंस्टेंट पेटीएम की तरफ से 100 रुपीज का कैशबैक यहाँ पर रिसीव हो चुका है, और यहाँ पर जो है मेरा पैसा जो यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पे दोस्तों एड हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।